अब यहाँ पे आपको एक मज़े की चीज़ दिखाता हूँ, ये बेंच लगे हुए हैं यहाँ पे रेस्ट करने के लिए, जैसे लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे देखें आप, सोलर प्लेट लगी हुई है। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि चाइना में भी सारे लोग अमीर नहीं है। ये बाबा जो है बोतलें इकट्ठी कर रहे हैं इधर से। हेलो नी हाउ, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? आज बहुत दिनों के बाद जो है मैं व्लॉग बना रहा हूँ। तो चाइना में जो है अभी लेबर हॉलीडेज की छुट्टियाँ हैं 3-4, और 2 दिन तो मैंने गुजार दिए सो के। और आज जो है मैंने कहा थोड़ा सा बाहर निकलें, आपको थोड़ा सा घुमा के लाऊँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ एक फेमस स्ट्रीट, आपको मैंने पहले भी दिखाई थी, उसका नाम है पुशिंग जी। तो अभी मैं वहीं पर जा रहा हूँ, पास में ही तकरीबन 10-15 किलोमीटर है, बस पर मैं जाऊँगा। तो इंशाल्लाह जो है आपको मैं वो विज़िट करवाऊँगा, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अभी चलते हैं, लेट्स गो। बस का वेट कर रहा हूँ। बस तकरीबन आती है कोई हर 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, ये बस की टाइमिंग है। तो 226 नंबर बस लेनी है मुझे, और फिर जो है हम गाँव पर पहुँचेंगे। बस अपनी आ चुकी है और रोक रो। अच्छा जी, इसको यूज़ करने के ना 2-3 तरीके हैं। मैं जो है वो RMB डालने लगा हूँ, 2 RMB लगेंगे इसके अंदर। अच्छा जी, वैसे आप जो है इसको अलीपे के ज़रिए भी स्कैन कर सकते हैं, यहाँ से नीचे स्कैन होता है या WeChat से भी, लेकिन मेरा जो है आजकल चल नहीं रहा, मसला हुआ है, तो इसलिए मुझे सिक्के डालने पड़े। मौसम तो थोड़ा सा क्लाउडी है, लेकिन आज जो है गर्मी है, वैसे सबसे वाला मौसम है। वैसे तो इतना ज़्यादा रश नहीं होता, लेकिन छुट्टियों की वजह से फुल सीन होना है ट्रैफिक अभी। वो फाइनली भाई साहब अभी पहुँच चुके हैं तादंग मन पे अपने, और ये जी CBD एरिया इस जगह, सॉरी CBD नहीं है, जहाँ पे हमने जाना है इस साइड पे, अभी रोड क्रॉस करनी है वहाँ सामने जाके। यहाँ पे लैम्बो खड़ी हुई है, एक लैम्बोर्गिनी। ये जी इस सिटी का जो सबसे बड़ा झूला ना, आपको आसमानी झूला नज़र आ रहा है, इसका नाम नहीं मुझे पता क्या बोलते हैं इसको। ये चेक करें जी, आज रश कितना ज़्यादा आपको नज़र आ रहा है इस जगह पे। ये तो अभी स्टार्ट भी नहीं हो रही, अभी ये एंटर होना है हमने, वो जो सामने आपको टावर नज़र आ रहा है वहाँ से एंटर होना है स्ट्रीट में। ये बस समझ लें स्ट्रीट के बाहर का थोड़ा सा मंजर है, जहाँ पे रश लगा हुआ है, फ्रूट मार्केट, फूल वगैरह, और फूलों का आजकल बड़ा बिजनेस चल रहा है। आपको पता है जो चाइनीज़ लड़कियाँ होती हैं उनकी बहुत ज़्यादा फरमाइशें होती हैं लड़कों से, मतलब फूल और ये वो सारा कुछ है ना, तो इसलिए फूलों का इधर बड़ा बिजनेस चलता है इस तरह के दिनों में, छुट्टियों में, या जब लोग घूमने फिरने जाते हैं। बिस्मिल्लाह, ये है इधर मेन पार्ट ऑफ स्ट्रीट, यहाँ से एंटर होना हमने, और आप रश का अंदाज़ा लगा सकते हैं, इधर काफ़ी आज रश नज़र आ रहा है। अभी सिग्नल खुलेगा तो अभी देखें आप कैसे इधर से खुलते हैं, जैसे भेड़ बकरियाँ खुलते हैं ना, ऐसे रश होता है। चलो जी, चलो चल भी चौधरी चल। तो ये जी हम एंटर हो चुके हैं। यहाँ पे दो तीन आउटलेट्स हैं, नाइकी का भी और एडिडास का भी। ये बहुत ज़बरदस्त और प्यारी स्ट्रीट है। निया एंटर होते ही सबसे जो पहली चीज मुझे जिस चीज ने वेलकम किया ना, वो है स्मेल यहाँ की। आई थिंक छो टोफू की स्मेल है, उसको बोलते हैं स्टिंकी टोफू, उसका नाम ही यही है, छो टोफू उसको बोलते हैं। और इतनी ज्यादा उसकी स्मेल आ रही है ना, स्ट्रॉन्ग स्मेल है। अभी किसी शॉप पे बिक रहा होगा इस जगह पे। वाह मैन, लुक एट दिस रश। आजकल जो है सेल भी बहुत जगह पे लगी है, हर जगह पे। यहाँ पे जरा देखिए, 100 RMB की 3 शर्ट्स लगी हुई है। ये चौधरी साहब पता नहीं किधर लेके जा रहे हैं घोड़ा। यहाँ पे ना आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, इस बड़ी स्ट्रीट के अंदर ना, यहाँ पे एक छोटी सी इन्होंने स्ट्रीट निकाली हुई है, ये फूड स्ट्रीट है, छोटी सी है, लेकिन ये बहुत बड़ी है। इसी के अंदर ही है सारा, इंडोर स्ट्रीट है ये सारी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो खाने पीने की शॉप्स वगैरह हैं, लेकिन हम अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि पहले मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ, और अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा स्मेल होती है, तो मैं नहीं चाह रहा कि मेरा थोड़ा सा टेस्ट ख़राब हो रहा। यहाँ पर इस जगह पर इनका कोई टेम्पल वगैरह है, जहाँ पर अंदर जाने की तकरीबन 50 RMB टिकट है, तो हम तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। अच्छा, ये दो तीन छुट्टियों के दिन होते हैं ना इसमें चाइनीज़ मोस्टली, क्योंकि आपको पता है इनकी रूटीन बहुत ज़्यादा टफ होती है, हर रोज़ सुबह मॉर्निंग में 9 बजे से लेके 8 बजे से लेके शाम 6 बजे तक 7 बजे तक, तो
तो इनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता इनकी नॉर्मल लाइफ के अंदर के कहीं पे जा सकें, घूम फिर सकें। दो दिन की छुट्टी होती है, सैटरडे संडे किसी जगह पे एक दिन की होती है, लेकिन उसमें भी इनका इतना ज़्यादा वो नहीं होता कि किसी और सिटी में जा सकें, क्योंकि आपको पता है बहुत ज़्यादा दूर दूर सिटियाँ, एक सिटी से दूसरा सिटी बहुत ज़्यादा दूर है। तो अभी इनको ये इकट्ठी 3-4 छुट्टियाँ हुई हैं लेबर हॉलीडेज़, तो ये जो है मोस्टली जो है ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं दूसरी सिटी से। और अभी जो है इस जगह पे जो आपको नज़र आ रहा है, ये मुझे नहीं लगता कि ये सारी आवाम खौफे सिटी सी है। आई थिंक जो काफ़ी सारे लोग हैं जो आसपास के यहाँ के आनखुए प्रोवेंस के या किसी और सिटी से भी जो हैं लोग यहाँ पे घूमने फिरने के लिए आए हुए हैं, ट्रैवलिंग स्पॉट है, क्योंकि खौफे भी एक बहुत अच्छा सिटी है। ये खोखे के सामने आपको इतना रश इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ से लॉटरी के टिकट्स मिलते हैं, ये सारे लोग जो हैं लॉटरी के टिकट निकाल रहे हैं। पहले जो है हफ्ते इतना ज़्यादा रिच सिटी नहीं होता था, लेकिन अभी जो है ये डेवलपिंग सिटी में आ रहा है। टायर वन चाइना के जो डेवलपिंग सिटीज हैं उनके अंदर इसका नाम जो है शामिल होना शुरू हो गया। ये जनाब सब थक के बैठ चुके हैं यहाँ पे। ये जी स्ट्रीट का मेन हिस्सा, आप कह सकते हैं ये स्ट्रीट जो है तीन हिस्सों में, इसके तीन पार्ट्स हैं। पहला पार्ट जो है हम वहाँ से आया वो पहले वहाँ से एंटर हुए, दूसरा पार्ट इसका ये सेंटर वाला है, और तीसरा जो है वो इसके एंड पे होगा, वहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं रश होता है। सेंट्रल पार्ट जो है इसके अंदर इस जगह पे बहुत ज़्यादा रश होता है यहाँ पे। अब जो एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, अभी यहाँ जो है इसका एक और पार्ट निकल रहा है इस स्ट्रीट का, इसके अंदर से ही ये भी काफ़ी बड़ी है यहाँ, लेकिन ये छोटी है, इतना ज़्यादा रश नहीं होगा इस साइड पर। यहाँ पे मोस्टली जो शॉप वगैरह हैं वो लड़कियों के मेकअप वगैरह की होगी और इस तरह के जो नेल पॉलिश, इस तरह की जो चीज़ें हैं। इस मेन स्ट्रीट के अंदर जो आपको चीज़ें नज़र आएंगी वो ज़्यादातर मोस्टली शॉप जो हैं वो जूतों की हैं। उसके बाद ये चाइना गोल्ड, इसके सामने मैं खड़ा हूँ, सोने की मतलब शॉप्स हो गई। ये इधर भी सारी गोल्डन कलर की जितनी भी आपको शॉप्स नज़र आ रही हैं ये गोल्ड की सारी शॉप्स हैं, ये सारी आगे मोस्टली सेंट्रल पार्ट में जो है गोल्ड की शॉप्स हैं। उसके अलावा जो है कपड़ों के बहुत सारे ब्रांड्स हैं, ये जूतों के बहुत ज़्यादा ब्रांड्स हैं। और चाइना में जो है एक मिल्क टी बहुत ज़्यादा फेमस है, चाइनीज़ लोग मिल्क टी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आप कह सकते हैं पसंद करते भी हैं नहीं करते, लेकिन टी शॉप्स भी बहुत ज़्यादा है जहाँ भी बहुत ज़्यादा रश होता है। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि चाइना में भी सारे लोग अमीर नहीं है। ये बाबा जो है बोतलें इकट्ठी कर रहे हैं इधर से, ये इसके बोरे रखे हुए इधर। यहाँ पे गोल्डन मैन भी आपको नज़र आ गया है, गोल्डन मैन के साथ काफ़ी ज़्यादा लोग जो है तस्वीरें बना रहे हैं। मेरे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी उसके अंदर भी था गोल्डन मैन ये वाला, इसको पहले हेलो करते थे और पहले तस्वीर वगैरह बना ला, उसके बाद जो है अभी हम भी इसको ले जाते हैं अपनी वीडियो के अंदर। हेलो नी हाओ नी हाओ हेलो पाकिस्तान। तो ये जो है गोल्डन मैन, ये जो है अपना लाइव चला के बैठा हुआ है, टिकटॉक है जो चाइना का वहाँ पे जो अच्छा जो चाइना का टिकटॉक है ना, यहाँ बहुत ज्यादा लोग जो है इस पे लाइव जाते हैं, परफॉर्मेंस होती है इनकी, वन एक घंटे की होगी, दो घंटे की, इस तरह की परफॉर्मेंसेज होती हैं इनकी। तो ये मेरी फील्ड का ही बंदा है। तो अभी जो है हम स्ट्रीट के तीसरे हिस्से में एंटर हो चुके हैं, इसका जो तीसरा हिस्सा है इसके अंदर मोस्टली जो शॉप्स हैं आपको नज़र आ रही होंगी, आपको पता चल गया होगा मोबाइल शॉप्स हैं, उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप्स वगैरह हैं, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें वगैरह होती हैं उसका पार्ट है ये इस साइड पर सारी हैं। और इस साइड पे फिर थोड़ा सा पार्ट वही आ जाता है गोल्ड की शॉप्स वगैरह हो गई। और यहाँ पे ये मैं आपको दिखाता हूँ टी शॉप्स किस तरह की होती हैं, ये देखें इस तरह की टी शॉप्स होती हैं जहाँ मिल्क टी बोलते हैं इसको, ये बबल टी बोलते हैं ये वाली। यहाँ पे भी एक और है पांडा बबल टी शॉप है, इसका नाम नहीं मुझे आता है चाइनीज़ में लिखा हुआ, लेकिन ये भी एक टी शॉप है वो सामने आपको नजर आ रही है। यहाँ भी मॉडर्न शॉप्स के अंदर मुझे एक जो है यहाँ एक शॉप नज़र आई है जो कि बिल्कुल चाइनीज़ जो थीम है उसके ऊपर बनी हुई है। ये जो है खुशबू वाली चीज़ें हैं जहाँ यहाँ इसके अंदर लगा के कुछ रखते हैं, फिर लकड़ी वगैरह पे वो आपको पता है खुशबूदान आप बोल रहे हैं। यहाँ पे चाइनीज़ के कुछ ब्रेसलेट टाइप हो गए और ये इनके बुत हैं आई थिंक सो, यहाँ बुक्स हैं इनकी चाइनीज़ की कोई।
वाह जी वाह, क्या बात है। यहाँ पे जो कार 98 के कुछ वो पड़े हुए हैं उसके वर्जन है, कोई 1, 2, 3 भी पुराने और दूसरे नए। यहाँ पे टॉप शॉप पड़ी हुई है। ये कुछ चाइनीज 1874 के ट्राइब्स हैं ये वाले। इनका जो सबसे खूबसूरत ड्रेस है ना, मुझे ये वाला लग रहा है, आपको भी लग रहा होगा। ये थिंक्स फुल ब्लैक है, फुल ब्लैक माय फेवरेट कलर। और ये इनका जो दूसरे एम्परर टाइप, ये उनके क्लॉथ्स वगैरह। ओ भाई साहब, इतनी बड़ी गन मैंने पहली दफ़ा देखी है। नॉर्मल गन इतनी होती है, और ये देखिए कितनी बड़ी है, डबल गन है तकरीबन। तो जी हम यहाँ से भी निकले हैं, अभी जो है हम जा रहे हैं लास्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रीट की तरफ, जो कि इस साइड पे है। तो ये आ गई थी फाइनली हम एंड पे, इस स्ट्रीट के लास्ट कॉर्नर पे। यहाँ पे हम पहुंच गए, यहाँ इस जगह पे जाए, इसके तीन पोर्शन यहाँ से निकलते हैं आगे, 1, 2 और 3। इस स्ट्रीट में भी आप जाएंगे तो आगे आपको बहुत सारी शॉपिंग की स्ट्रीट्स नजर आएंगी, और छोटी छोटी जो है फूड स्ट्रीट्स भी नजर आएंगी। इस साइड पे छोटी कम्युनिटीज टाइप है, और इधर जो है बाकी सिटी का एरिया है, रहायश वगैरह, और इस साइड पे जो शॉप्स वगैरह, बाकी इधर इसका जो गेम है इस स्ट्रीट का यहाँ पे ख़त्म हो गया। इस स्ट्रीट की तकरीबन आप कह सकते हैं कि ये 400 से 500 मीटर जो है ये लंबी स्ट्रीट है, और इसी तरह जो है वीकेंड वगैरह पे भरी होती है आपको नजर आएगी। और इसके अलावा जो है आजकल स्पेशली तौर पे ये 3 दिनों के अंदर। अब यहाँ पे आपको एक मजे की चीज दिखाता हूँ, ये बेंच लगे हुए हैं यहाँ पे रेस्ट करने के लिए, जैसे लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे देखें आप, सोलर प्लेट लगी हुई है, यहाँ पे आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं अपना, वायरलेस भी है, और इसके अलावा यहाँ पे आप केबल से भी चार्ज कर सकते हैं। अभी कोई मोबाइल आया तो मैं आपको दिखाता हूँ, इधर मोबाइल रखेंगे आईफोन जैसे चार्ज होता है वायरलेस, तो ये चार्ज होने लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितना मॉडर्न और ज़बरदस्त सिस्टम है कि आप इसको एज अ सीट भी यूज़ कर सकते हैं, और एज अ चार्जर भी आप यूज़ कर सकते हैं इसे। तो ये था जी हमारा आज का ट्रिप, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।